हेलो कुनो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, अंकित, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, हम जो सीरीज बोल सकते हैं, अब जो हम कवर करने वाले वापस स्काउट एंड जो चितोमैन के बीच में कंट्रोवर्सी चालू है, आप सबको पता होगा चितोमैन ने बहुत सारे, इनफैक्ट 3 या 4 वीडियोज़ बना दी है स्काउट के ऊपर, ये बता कि भाई पीएमसीओ में जो है स्लॉट का स्कैम हुआ है। बट स्टिल जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स को लेके एक वीडियो बनाओ, बट अभी तक उसने जो वो वीडियो नहीं बनी, बट वापस जो उसकी वीडियो आई है वो आई है स्काउट के ऊपर ही। सो पीएमसीओ स्लॉट के बारे में वो कंटिन्यू वीडियो बना रहा था एंड उसका रिप्लाई स्काउट ने ऑलरेडी दिया था एंड अपने लाइव स्ट्रीम में स्काउट ने उसको बुलाया था कि भाई तू आ जा, तेरे से बात करनी, मैं अभी कभी बात करूंगा। बट एट दैट मोमेंट चितोमैन वहाँ पे था नहीं, एज पर वॉट चितोमैन सेइंग कि वो वहाँ पे था नहीं, वो रावण दहन में गया हुआ था तो वो बात नहीं कर पाया। बट जब वो वापस आया रावण दहन के बाद तो उसने बात करने की कोशिश करी स्काउट से, उसके व्हाट्सएप पे, उसके डिस्कॉर्ड पे, जहाँ भी वो बैठा था वहाँ पे जाके उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। बट स्काउट जो है उससे भाग रहा था, उससे दूर भाग रहा था, उससे बात नहीं कर रहा था। वहीं पे स्काउट का कहना ये था कि भाई मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ एंड मुझे जब तू बुलाएगा मैं तब नहीं आऊँगा, मैं तेरे से नल्ला बैठा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्क्रिम्स वगैरह होते हैं जो मैं खेलते रहता हूँ सुबह के 4 बजे तक, सो मैं नहीं गया उसके पास। सो उसके बाद जो है व्हाट्सएप के कुछ डिटेल्स जो है चितोमैन दिखाता है कि भाई उसने व्हाट्सएप वगैरह किया हुआ था। एंड अभी सुनने में जो ये आया है कि स्काउट ने जो है चितोमैन का नंबर लीक कर दिया, ठीक है, बाई मिस्टेक हुआ रहेगा, कैसी भी है उसने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शो कर रहे हुए हैं एंड उसमें जो है चितोमैन का नंबर दिख गया। अब चितोमैन का कहना ये है कि उसके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जो उसकी मॉम एंड उस वो खुद यूज़ करता है, लाइक एक फ़ोन दोनों बंदे यूज़ कर रहे हैं, वो भी 2019 में। थोड़ा सा बिलीवेबल नहीं लगता है बट हो सकता है भाई, पॉसिबल है, बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर हो तुम एंड उसके बाद भी तुम, जिसके 70,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, उसके बाद तुम बोलते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, वो थोड़ा सा बिलीव नहीं लगता मुझे। बट चलो मान लेते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, ठीक है, घर में उसके एक ही फ़ोन है, वो भी टूटा हुआ फ़ोन है, एज़ पर व्हाट चितोमैन इज सेइंग। सो अब स्काउट ने जो उसका नंबर लीक हो गया चितोमैन का, उसके बाद जो है उसको जो है लगातार कॉल्स, मैसेजेस एंड धमकी आ रहे थे एंड उसके कारण जो है उसकी मॉम डिप्रेशन में गई हुई है, जो कि चितोमैन का कहना है। एंड उसके बाद उसने लिखा है कि जो भी जिम्मेदारी होगी वो तेरी होगी, यानी कि स्काउट की होगी, एंड वो बोल रहा है कि मैं लौटूंगा। लौटूंगा मतलब क्या होता है कि मैं अभी नहीं बट कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मैं वापस आऊँगा, वो होता है लौटूंगा का मतलब, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसने कुछ स्लिप्स वगैरह दिखाई, पर्ची वगैरह दिखाई एंड मैं नहीं कुछ बोल रहा बट जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनको पता होगा कि ये सब जो दवाइयाँ लिखी गई हैं वो किस चीज़ को लेके है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रमवीत रवनीक कुमार लिखा हुआ है कि जो दवाई है, ठीक है, जो दवाई का नाम उसने लिखा हुआ है, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन का कारण होता है, लाइक इन्फेक्शन के लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीबायोटिक है, ना कि वो डिप्रेशन के लिए दवाई दी गई है। अब ये ऐसे कमेंट्स अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हेट कमेंट्स भी है इसके लिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो उसके कमेंट पोस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब देखो चितोमैन की मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि वो कुछ भी होता है वो अपनी मॉम को लेकर आ जाता है एंड हमेशा उसका यही रहता है। जिटेक्स प्रीत के मामले में जो हुआ था वहाँ पे भी उसने, देखो मुझे अब एक चीज़ बताओ कि उसकी मॉम को कॉल आया, उसकी मॉम ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी एंड दे दी उसने चितोमैन को, भैया तेरे को कॉन्टेंट मिल गया, अब तू डाल उस वीडियो को। एंड ऑफ कोर्स वो गलत था जिस तरह से जीटीएक्स प्रीत ने बात करी थी, बट अगेन ये बात हजम नहीं होती कि उसकी मॉम को कॉल आया था, मॉम ने कॉल रिकॉर्डिंग करी एंड उसने बोला कि बेटा ये ले तुम्हारा कंटेंट एंड तुम इसको अपलोड करो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जब इसको हेट मिलना चालू हो गया तो फिर वापस, अब आई एम नॉट क्वाइट श्योर, हो सकता है उसकी मॉम बीमार होंगी एंड आई होप कि वो तबीयत ठीक हो जाए, बट हर एक चीज़ में आप फैमिली को लेकर आना चाहते हो ये दिखाने के लिए कि आपको सिंपैथी चाहिए, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। अगर आप YouTube पे हो, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप हर एक चीज़ में अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते हो, सिर्फ आपको सिंपैथी गेन करना है उसके लिए, ठीक है। मेरी मॉम का भी तबीयत ख़राब होता है, मेरी जो स्काउट है, मोर्टल है, सबकी मॉम का तबीयत ख़राब होता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर आप किसी और को ब्लेम करना जस्ट बिकॉज आपको सिंपैथी चाहिए इज़ नॉट राइट, ठीक है। जिदी एक्सप्रीत के मामले में उसने वही करा हुआ था, यहाँ पे उसका पर्चा, खुद उसकी पर्ची ने खोल दिया कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक्स है, ना कि जो इन्फेक्शन कारण होती है, ना कि डिप्रेशन के कारण हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप, मैंने आपको दिखा दिया, इसने बोला कि मैं लौटूंगा वापस एंड इसका ये सीन हमेशा रहता है, ठीक है, कि जब भी उसको लगता है कि उसका हेड मिलना चालू हो गया वो हमेशा बोलता है कि मैं वापस आऊँगा एंड मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। इसका मैं आपको एक सीधा सीधा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए एंड गालियाँ मुझे पड़ रही हैं,
तो अभी फिलहाल जो है गुड बाय बेस्ट ऑफ लक, मैं वापस आऊँगा ठीक है वापस, मतलब गुड बाय बेस्ट ऑफ लक यानी मतलब यही है कि मतलब वो वापस आएगा, एंड ये 3 वीक्स पहले की बात है ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप वीडियो उसको जाके खोल के देखोगे ना, तो उसकी वीडियो कभी बंद ही नहीं हुई है ठीक है। उसकी वीडियो अगर आप देखोगे 3 वीक्स पहले भी, उसकी वीडियो कंटिन्यू आ ही रही है, उसकी वीडियो कभी बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, तुम हमेशा बोलते हो मैं यूट्यूब से जा रहा हूँ, एंड वापस तुम वहीं रहते हो, तुम जाते कहीं भी नहीं हो ठीक है। एंड गाइस सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। कहीं से भी मुझे ये लगता नहीं है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होनी चाहिए थी। चितो मैंने एक वीडियो बनाई, चितो मैंने दो वीडियो बनाई, ओके फाइन, हम सभी को समझ में आ चुका था कि स्लॉट का घपला हुआ हुआ है। उसने तीसरी वीडियो बनाई वापस, एंड दैट वाज आल्सो फाइन। बट अगेन मुझे अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी कमेंट्री पोस्ट में देखी है कि उसने लिखा हुआ था कि मैं लौटूंगा वापस ठीक है। यहाँ मैंने आपको दिखाया मैं लौटूंगा वापस, एंड वापस वो कब लौटा मालूम है? जस्ट इमीडिएटली इमीडिएटली वो वापस लौट गया। अब मुझे बताओ कि कम्युनिटी पोस्ट आप अभी कर रहे हो, एंड अभी आप बोलते हो कि मैं लौटूंगा वापस बिकॉज मॉब का तबीयत मेरा खराब है, डिप्रेशन में गई हुई है, एंड वापस वो बंदा इमीडिएटली वीडियो पोस्ट कर देता है, वो भी कितने मिनट का, 18 मिनट का ठीक है। एंड अगर आप उसके वीडियो में जाकर देखोगे, स्टार्टिंग में उसने बोला है एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो यानी कि 18 मिनट की वीडियो उसने पूरी दाग दी है स्काउट के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट 4 वीडियो जो है उसके पूरे के पूरे स्काउट के ऊपर है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तुमको ब्लेम करना था, तुमने एक वीडियो बनाई ओके, तुमने दो वीडियो बनाई ओके, उसके बाद भी तुमने पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, इसके बाद भी तुमने पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाया ठीक है। स्लॉट स्कैम हुआ है ओके आई अंडरस्टैंड, चलो ठीक है यू आर राइट, स्लॉट का स्कैम हुआ है, लेकिन पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स को टारगेट क्यों नहीं किया, टेंशन गेमिंग को टारगेट क्यों नहीं किया? तुम कर सकते थे लेकिन नहीं, बिकॉज उन लोगों को तुम टारगेट करोगे व्यूज नहीं आएंगे ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मैं आजकल देख रहा हूँ ठीक है, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी में क्या हो रहा है मालूम है, कि हम लोग जबरदस्ती का एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं ठीक है जो गेमर्स हैं, मैं चितोमन की बात नहीं कर रहा, बट मैंने देखा है कुछ गेमर्स है, स्ट्रीमर्स है ठीक है, एंड वो लोग जो है फालतू का कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं पुरानी बातों को लेके, एंड व्यूज़ गेन करना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइबर्स गेन करने की कोशिश की जा रही है ठीक है। एंड उनको लाइव स्ट्रीम भी करना है, एंड उनको कॉन्ट्रोवर्सी भी डालनी है, एंड वो भी बहुत पुरानी वीडियो पे, ऐसी बात नहीं है कि आज एक या दो वीडियो पे, बहुत पुरानी पुरानी वीडियो पे वो लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं उनको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड बताऊंगा कि भाई आप लोग अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, क्या सच है क्या झूठ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी कवर करने आए थे, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको अपना चैनल ग्रो करना है, अपनी ऑडियंस ग्रो करनी है, बट हो क्या रहा है कि उनको गालियाँ पड़ रही है, एंड आप उनके डिसलाइक रेशियो देख ही सकते हो, 67, 66, 43%, 40%। तो उनको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये हमारे साइड से, ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये शायद से सही नहीं है, हम लोग कुछ चेंज करना चाहिए ठीक है। वो लोग चेंज नहीं करना चाहते, आई डोंट नो वाई, आजकल सब एक्सपोज एक्सपोज है, एंड फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सही है, चितमैन सही है या फिर स्काउट सही है? प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। बट हाँ ये मैं बोलता हूँ कि एक तरह स्काउट भी गलत है एक जगह पे, कि उसको जो है चितमैन का नंबर लीक नहीं करना चाहिए था, बाई मिस्टेक हो कैसे भी हो, बट उसको किसी का भी नंबर लीक नहीं करना चाहिए था जो वो हमेशा से करता है। इसके पहले भी उसने एक बंदे के साथ, किसके साथ हुआ था आई डोंट नो, किसी के साथ तो हुआ था उसका स्काउट का, एंड उसने लाइव स्ट्रीम पे उसने नंबर मतलब व्हाट्सएप शो कर दिया था, एंड उसका नंबर लीक हो गया था, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ वही हुई वापस। तो स्काउट नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट इतना तो समझ के रखो कि भाई तुम एक लाइव स्ट्रीम पे तुम 4 या 5 हज़ार लोग तुमको देखते हैं, उसके बाद तुम्हारी वीडियोज़ भी वायरल होती है, तो अगर तुम किसी का नंबर शो करते हो, एंड जैसे मान लो एग्जाम्पल तुमने चितोमैन का नंबर ही शो कर दिया, तो बहुत सारे लोग उसको जाके ऑफकोर्स कॉल करेंगे ही एंड परेशान करेंगे ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई नंबर देता है, प्लीज एटलीस्ट जो आप शो कर रहे हो एटलीस्ट उसका नंबर जो है उसको आप बंद कर दो, लाइक म्यूट कर दो, काइंड ऑफ डिलीट कर दो, एंड उसके बाद आप शो अप करो उसका व्हाट्सएप नंबर या जो भी है, बट डू नॉट शो अप हिज व्हाट्सएप नंबर, यू नो जो भी आपको दिखाना है व्हाट्सएप नंबर को आप डिलीट करके उसके बाद आप शो अप करो, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखना ठीक है। सो गाइस प्लीज़ एज पर आई से मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि आप क्या लगता है कौन सही है एंड कौन गलत है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज एज ऑलवेज, पीस आउट। एंड गाइज एक चीज़ बताना भूल गया, नेक्स्ट मंथ 16 नवंबर मेरा बर्थडे है, एंड होपफुली यार प्लीज़ हो सकता है अगर पॉसिबल है तो 16 नवंबर से पहले कैन वी हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स, कैन वी डू दैट? प्लीज़ ट्राई टू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू।